चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यूपी में केंद्र में कितने रोजगार दे दिए उन्होंने जिसमें एक करोड़ रोजगार कहा था मोदी जी ने एक करोड़ रोजगार दूंगा में ये तो जातिवादी के न लगा रहे धर्म पर लड़ाई लड़ा, लड़ा रहे जाति पर लड़ाई लड़वा रहे किसान का कोई मुद्दा नहीं उठाकर चल रहे उधर मोदी जी जो है महिलाओं को आरक्षण दे रहा उधर महिला पहलवानों पर अत्याचार करवा रहा धनखड़ जी कह रहे हैं सभी जाटों के बेचते हो ऐसा कुछ नहीं है क्या उस दिन जाट नहीं थे जिस दिन सीमा पर बैठे थे दिल्ली में घुसने दे रही थी भाजपा सरकार हमें आतंकवादी हमें खालिस्तानी हमें नक्सलवादी पता नहीं क्या क्या हमें बोलिया गया इन लड़की साक्षी मलिक ने बेचारी ने जो है कल इस्तीफा दे दिया कि क्या वह जाट की लड़की नहीं है जो गुनाकार है टेनी है पकड़ा गया उन्होंने चार किसान रोन तो दिए थे ये हमारे बड़े बतावे जिस अंग्रेजी ज़माना भुगता है वे बताते हैं कि उस टाइम न्याय था और भाव था आज न न न्याय है न भाव है भारत देश ही ऐसा होगा जो बड़े बड़े गुंडे मंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे और मंत्री प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा सी सी में आप सभी का स्वागत है हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव भैंसवाल में हैं और गांव भैंसवाल में हम जो है गांव के लोगों के बीच है 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं हम अभी लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों से बात करेंगे वो तो जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के और आम आदमी हो नमस्कार जी नमस्कार भाई ठीक हो ठीक हो अच्छा चुनाव आ रहे क्या लग रहा है इस बार क्या किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार किसानों का पहला मुद्दा तो यू है ये जो जानवर फिर इन्हें पकड़वा दो ये खेत बर्बाद कर दिए इन्हें और भाई बिजली बिजली के बारे में सही दे दो लाभदायक बात सही है लागत ज्यादा बढ़ गई खेती में जो इतनी सारी दिक्कत हो रही तो कब तक ये दिक्कत रहेगी क्या, इसका क्या समाधान रहेगा समाधान सरकार के ऊपर बात है टाइम पे मेल चल नहीं चलवाए टाइम पे पेमेंट नहीं करते टाइम पे पेमेंट कर दो और भाई गन्ना की पूर्ति कर दो और आप को पकड़वा दो लाभदायक लागत के अनुसार लाभदायक बात चाहिए हमें अच्छा, आपने इतने सारे चुनाव देख चुके हैं अपने जीवन में तो किस तरीके से देश की राजनीति बदल रही है बस सबको अपना भला चाहिए किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहे अक, वोट की जाड़ में ले तो बीमारी आए इन सब अंग्रेजी बढ़िया थे ये कड़े अंग्रेज जैसे आए गए ये अपने कोई खा रहे जी नमस्कार जी आपका नाम देवराज पहलवान अच्छा पहलवान जी देखा जाए जगह जगह किसान भी धरने दे रहा है इस सरकार के थ्रू गन्ने के भुगतान नहीं हो रहे है। तो इस तरफ क्या देख रहे हैं बस देख रहे हैं जी किसान दुखी है तो फिर यू ही देखना अखबार जी किसान दुखी है तो देश को कहीं सुखी कर सके हम तो उसी विचारधारा के आदमी थे किसान सुखी देश सुखी या सरकार उल्टे पड़ रही जातिवादी के नारे लगा रहे यो पांगली ठारे कोई बात कुछ कह दे उसका अपमान करने की कोशिश करें इन्हें नहीं पता अगर इस देश की हिफाजत ये किसान नहीं कर रहे सलन पर भी और भीतर भी फिर इन्हें वोट कु कर दे जा ये किसी नए नए तरह के प्रलोभन तो ले हुए हैं समाज में अरे समाज को सही दृष्टि से देखो नारे क्यों लगा रहे किसान का परमिट नहीं हुआ यामली जिले में तीन सीट चली गई भाजपा के खिलाफ तो यहाँ के किसान का परमिट ही नहीं यहाँ का एमपी है उनने कभी हालचाल नहीं जाना यानी प्रतिनिधि चुनकर भेजा था उसका उसका फर्ज बना था गाँव गल जाएगा किसानों की समस्या का समाधान ढूंढना ये तो जातिवादी के नारे लगा रहे धर्म पर लड़ाई लड़ा रहे जाति पर लड़ाई लड़वा रहे किसान का कोई मुद्दा नहीं उठाकर चल रहे तो इनसे हमें कोई वो नहीं है उम्मीद नहीं है अच्छा आप एक पहलवान हो आपने पहलवानी भी की है तो अभी जिस तरीके से साक्षी मलिक जी ने इस्तीफा दिया है लेकिन जब मेडल जीत के आते हैं तब तो वो देश की बेटी मोदी जी भी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं लेकिन जब वो अपने न्याय के लिए वो धरना देते हैं तो उनको जाट बोल दिया जाता है कि तो जाट ही और सांसद जो बीरज जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए तो उसको कैसे देखते हैं उसको हम हम नहीं पूरा देश देख रहा देश की आन बान शान साक्षी पहलवान महिला पहलवान उनका अपमान उनके शौचालय तक बंद करवा दे इन्होंने उन्हें घसीट दिया वहाँ तक सारा देश देख रहा है और नाम आया जाति का जाति के उधर पैंसठ पहलवान वर्ल्ड में मेडल लेकर आए वे भी जाट जाति तो थे पर हम नहीं कहते वे भारत के थे भारत भारतवर्ष के पहलवान हैं पूरे देश के पहलवान हैं पर ये तो खुद नारा लगवा रहे उधर मोदी जी जो है महिलाओं को आरक्षण दे रहा उधर महिला पहलवानों पर अत्याचार करवा रहा किस दृष्टि से देखा हम इसे भाई दुनिया में वही वाई वाई करवाता फिर रहा अपने देश को तो बर्बाद करने के कगार कर पर ले गए ये बताओ सब वोट कैसे देना है जैसा दे नहीं दे दो, तो हम तो वोट देने के नहीं हमारा कोई मैटर नहीं इसकी वोट वो तो वो राजंत चौधरी पूरी खेल नहीं दी उसकी जो राज्यसभा का मेंबर है वे में। उन्हें जो खेल नहीं दी आई वो बारह बारह लाख रुपए खेल नहीं दी मैं पूछा दिए टू भी तो चेक पकड़ा का तो हमें तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो बच्चों के खेल के ऊपर पैसा खर्च कर रहा हो ये खिलाड़ी कोई खत्म करने की नीति पर लग रहे उस दिन तो बड़े बड़े फोटो खिंचवा रहा था उस दिन महिला पहलवान वहाँ गंगा जी में अपने मेडल वो विसर्जन करने के लिए पहुँचे उदन कोई राजनीति पार्टी का यहाँ का सांसद एम पी मंत्री कोई पहुँचा वो भी भारतीय किसान यूनियन के, के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने जाकर उन बच्चों को संभाला तो ये देश को कहाँ चला देंगे इनका तोड़ा फोड़ी का मामला है तोड़ा फोड़ी में रहेंगे और इनके बस का कुछ नहीं है कोई पॉलिसी समाज में लाए हों अरे सड़क है सड़क से किसानों के, के मटरे किसानों को तो उसकी फसल का वाजिब दाम दो बिजली पर छूट करो पेस्टिसाइड है खाद है इन पर छूट करो जब तो किसान खुश होगा यही बगल आ ना। है, में हरियाणा वहाँ बुजुर्गों की पेंशन है ढाई हजार रुपये और यहाँ उत्तर प्रदेश में कभी लागू किया हो बीस तीस परसेंट लोगों पर लागू है यहाँ भी तो बुजुर्ग होंगे कोई देख रेख नहीं भाई यहाँ आजिशे इनका समर्थन करना करो भाई हम तो छक लिए दस साल हो गए इस देश को देखते हुए अब ये बताओ इना बोर्ड किस मुद्दे पर थे अब पिछले साल का भुगतान अप्रैल में बताया खूब खिनचातानी होकर देंगे दे दिया तो उसका भी यकीन नहीं है सरकार ने क्या एक्शन लिया मिल मालिक पे सोसाइटी तो सरकार के अधीन है तो सोसाइटी देती करवाती है भुगतान को किसान पर दस रुपये कर्जे के हैं तो उसके घर पर नोटिस छिपकावे हैं तो इसमें मिल मालिक पर क्यों नहीं एक्शन लिया ये तो सब चला रहे हैं देश की तोड़फोड़ करने की अपने उसे दिखाने की पोप लीला कोई संघ का आदमी है वो जाति जाति गर्न, जाति गणना करवा रहा क्या मैटर बना रखा है उन्होंने देश में जी वैसा आपका नाम नरेश मास्टर यारपुर अच्छा देखा जाए अभी ये मोदी जी जब से आए वो सुरक्षा सुरक्षा करते हैं कि बॉर्डर पे सुरक्षा है लेकिन वही संसद के अंदर जो है अभी हमला हुआ है तो उसको कैसे देख रहे हैं और जो सांसदों ने जो विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने अगर उस पर जवाब मांगा तो एक सांसद जो है विपक्ष के निलंबित कर दिए गए हैं हमला कहाँ है वो हमला नहीं है बेरोजगारी है भाई एक बार बताओ यूपी में केंद्र में कितने रोजगार दे दिए उन्होंने जिसमें एक करोड़ रोजगार कहा था मोदी जी ने एक करोड़ रोजगार दूंगा मैं दो हज़ार अट्ठारह में भर्ती लिखनी थी लड़कों की कोई लड़का दिखा सड़क पर भागता हुए अब जा कोई लड़का नहीं दौड़ लगा रहा क्योंकि उनकी उनका उत्साह था वो खत्म हो गया अरे उसमें जो है ना तो कोई भर्ती है मिलिट्री है वह चार साल ही कर दी बताए चार साल में क्या करेंगे तीन शहीद हो गए हमारे जवान परसों और पता नहीं दस है घायल बीस है तो क्या सुरक्षा है सुरक्षा किसी की नहीं है कोई सुरक्षा नहीं है लेकिन अगर अपने हक अधिकार मांगते हैं जैसे टिकैत जी ने भी लगातार किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी नंदकिशोर गुज्जर जो बीजेपी से विधायक है उन्होंने बोला था कि हो जाएगा हाँ भाई ये तो इनकी तो तानाशाही है ना अगर मान लो जो आज अपना हक़ मांग रहा आप आवाज़ उठा रहा तो ऐसा किसी को आतंकवादी बता, बता रहे किसी को खालिस्तानी बता रहे किसी को कुछ बता रहे आप पक गुंडागर्दी कितनी कर लो ब्रजभूषण या और बथेरे सांसद है जो तानाशाही कर रहे और गुंडागर्दी कर रहे इनकी इन, इन इनकी कोई वो नहीं है इनकी तो तानाशाही चल रही दबाने की कोशिश कर रहा है वो जैसे कि अंग्रेज़ थे नहीं पाले अंग्रेजी अच्छे को आ गए यहाँ तो अंग्रेजी अंग्रेजी शासन अच्छे को आ गया न्याय भी था और भावुक भी था उस टाइम ये हमारे बड़े बतावा जिस ना अंग्रेजी जमाना भुगता है वे बताते हैं कि उस टाइम न्याय था और भाव था आज ना न्याय है ना भाव है दोषी जो है उसे सीजा नहीं मिल रही और अनदोषी जो है बेचारे उन्हें जेल में जेल में जो बोल रहा आज उसे जेल में जेल में डाल रहे तो कहीं की सुरक्षा कहीं की अन्याय है कुछ नहीं है वैसे भारत में तो बहुत बुरा हाल मिच गया यार जिसने धर्म पे जाति पे बहुत बुरा हाल मिचा दिया हर आदमी देखो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है कोई भी हो स वो तो राष्ट्रपति है जाति कहाँ से आएगी उसकी ये सबसे पहले उसकी जाति बताओ बतावे बेजती की है जाटो की नहीं जाटू की जाटू की बेज़ती उस दिन नहीं हुई उस दिन तेरह महीने वहाँ से जो है उसे खालिस्तानी बताया गया और उसे जो है इन लड़के साक्षी मलिक ने बेचारे ने जो है कल इस्तीफा दे दिया कि क्या वो जाट की लड़की नहीं है वह देश की लड़की है ये उस, उस पर जाति बता बताया कहाँ था यू भाई हमारा उपराष्ट्रपति मोदे जी कहाँ थे जिप जाए वो तेरा महीने आंदोलन हुआ इन लड़कियों पर हो या उस दिन दो न अपनी जाति बताई जैन से जो लाठी बताई गई थी वो भी जाटी है वो भी एक जाट ही था किसान नेता है वो तो ए, वो वो जाट नहीं है वो किसान नेता है हम उसे किसान नेता मानते हैं न कि वो जाट वो हर जो है किसान कमेरों की और मजदूरों की आवाज उठाता है वो वो जाट नहीं है वे जो एक सांसद निलंबित किए हैं वे जो लड़के वहां गए थे संसद में वे बुलाए कि नहीं उसका नाम क्यों लेते ये तो किसी ने बुलाए होंगे उसे उसे क्यों नहीं सामिल करते जो गुनाहगार है जब मिश्रा टेनी है पकड़ा गया उन्होंने चार किसान रोन दिए थे इसे पूरी फुर, खबर को उजागर करके दिखाओ इस देश की इस प्रधानमंत्री की इसके इसके चेहरे को सामने लाओ ना संसद का संसद का मान उस दिन नहीं हुआ जिस दिन दानिश अली जी को जो है संसद में रमेश भुद्ध जी ने उसको कहे थे आप शब्द कहे थे तो वो अपमान नहीं हुआ था क्या एक शब्द कह दिया हमारे उपराष्ट्रपति ने वो देख पुरानी कहावत कही थी ये हर हर समय जाति के मुद्दे उठाते हैं और जाति के मुद्दे उन्होंने दिखा दिया जाटों ने तो दिखा दिया ओलंपिक में मेडल आए कितने किसके आए देश की सड़क पर जवान शहीद हो रहे हैं वे कौन है ये देश को, को आगे कौन बढ़ा रहा है जब कोरोना में हालात खराब थी जब भी तो ये किसान ही था वे जाटी तो थे किसान था जो किसान किसान का मतलब जो लोग समझ लेकर जाटों के नाम लेते हैं वे नहीं थे भाई इनकी इन तो हम तो रक्षा कर लिए जनता के ऊपर है भाई जनता है जनार्दन है, है जो, जो इतना बढ़िया लगा वे करेंगे पर हमारे यहाँ से क्षेत्र में ना कोई वोट नहीं है कैराना लोकसभा सीट से आप क्या देख रहे हो इस बार मैं देखो या तो देखो ये आदमी से क्या का विचार चले जा क्या हो जा पर आज की तारीख में तो ऐसा लग रहा भाई भाजपा तो यहाँ नहीं क्योंकि पहले भी तीन जो है विधानसभा सीट जो है यहाँ गठबंधन ने जीती अब की बार भी गठबंधन ही जीता हम तो ऐसा ही लग रहा और भाई और देखो पब्लिक है सारी आम आदमी हैं किसान हैं मजदूर हैं सबका क्या व्यवहार है पर आज तो भाई सब इस तक खिलाफ़ चल रहे हैं क्योंकि आज जो भाजपा है या एक जातिवादी पर चल रही है जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करें आज इन्होंने एक काम और जोड़ दिया चार दिन तक अब जाट 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 तो जाटू की बेचती होगी जाटू की बेचती होगी अरे उस दिन जाट कहाँ गए थे उस दिन तेरह महीने बॉर्डर पर बैठे थे वैसे तो किसान थे सब वहाँ एक किसान की एक जाति हो उसमें कोई बिरादरी वाली बात नहीं होती लेकिन जो बहुत थी जो सबसे ज़्यादा थे वो वहाँ सबसे ज़्यादा जाट ही थे उन जाटों के सामने उन्होंने कील ठोक दी फोर्स खड़ी कर दी गोली मारने के लिए ना तैयार कर दिए उस टाइम जाट नहीं दिखे ना एक जाट कौ है आज धनगढ़ जी बोल रहे हैं चलो हम मानते हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए वह बात गलत है इसका हम भी निंदा करें पर जो धनखड़ जी कह रहे हैं सभी जाटों के बेचती होगी ऐसा कुछ नहीं है क्या उस दिन जाट नहीं थे जिस दिन सीमा पर बैठे थे दिल्ली में घुसने नहीं दे रही थी भाजपा सरकार हमें आतंकवादी हमें खालिस्तानी हमें नक्सलवादी पता नहीं क्या क्या हमें बोलिया गया हमारे खाने पीने पर भी पाबंदी लगाई गई कहने लगे तो जींस पह रहे हैं ये तो बड़े बड़े फ़ोन ले रहे भाई फ़ोन भी वहीं रख सकें ये सेठ लोगी हमारा कोई वैल्यू नहीं है हम मेहनत नहीं करते पर इन्हना तो बात यह हमें तो बिल्कुल ये चाह कि इनका तो कुर्ता भी इनके शरीर बन रहा है इस कुर्ते को भी तैर लो इनकी तो नीति यह चल रही एक ये देख लो साक्षी मलिक ने दुखी होकर जब ही तो इसने जो स्ट्रीपा दिया आज खेल से कह दिया इसने भाई हमें आगे नहीं खेलने की अरे जिसने जिसके लड़के ने हमारे किसानों को रोन दिया हो उसे इन्होंने मंत्री बना रखा और उसे मंत्री को तो बिल्कुल नहीं हटा रहे आज फिर वो सा आज फिर सीट पर बैठा दिया उसका याद में वही भी मान लो कल को नहीं वो लड़की पर अत्याचार करेगा ये अब की बार और ज़्यादा करेगा तो इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया क्या करें भाई हाँ ना जाट जाट नहीं दिख रहा उधर कोई बात हो जाट नो और जाट नो आज समित पात्रा भी कल बोल रहा जाट का ऐसा हो गया वैसा हो गया अरे उस दिन जाट कहाँ गए थे जिस दिन सीमा पर जाट बैठे थे जिस दिन जाट की लड़कियों को घसीटने लग रहे थे जिस दिन हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसी दिन दिल्ली पुलिस हमारी लड़कियों को खींच खींच कर पे सड़क पर पे खींच रही थी बाल पकड़ रही थी बहुत अत्याचार कर उस दिन में जाट की लड़कियाँ थी उस दिन ने जाट दिखे नक जाट क्या चीज़ है तो आज ये जाट की बात कर रहे चौधरी अजीत सिंह ने जाटों को आरक्षण दिलवा था कांग्रेस सरकार पर दबाव डाल गए कि जाट जो है बहुत पिछड़ता जा रहा और इन्हें आरक्षण दे दिया जा लेकिन भाजपा की सरकार आते सर वो हमारा आरक्षण एकदम खत्म हो गया क्योंकि धनखड़ साहब को आरक्षण दुआ तो हमें जब जाटों की बेचती होगी पूरी भाजपा या कह रही जाटों की बेजती होगी तो वो आरक्षण दवाओ ना मैं जाटों को सम्मान दो आरक्षण दे दो उन्हें पर बिल्कुल नहीं देने के क्योंकि इन्हें आरक्षण ख़त्म करवाना था उसी हिसाब से इन्होंने कोई पैरवाई नहीं करी और जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था तो दोबारा बिल ले कर आओ ये दूसरी चीज़ में भी तो जगह जगह रो हर बेरे बिल ले कर लग रहे जिस चीज़ वो कैंसिल कर दे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बिल लिया हमें तो इस बिल ले कर आते किसान का लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है ना तो हमारा फसल का दाम मिल रहा ये तो बिरादरी पर कर रहे हैं गन्ने का भाव है पंजाब में तीन सौ इक्यानवे रुपये और हरियाणा में तीन सौ छियासी हरियाणा में भाजपा की सरकार है इसने अब की बार भी तीन सौ छियासी कर दिया और अगले साल के लिए चार सौ कर दिया यहाँ तो कोई रुद सुद है नहीं हम तो ऐसा लगे वही बाहर रखेंगे जब जाए बाह को ऐसा कर ना अब वही रखे कर फिर हैं फेरियाँ नहीं करते फरवरी फरवरी में जाके एक बार ही कह देंगे भाई वही बाहर रह गया बस अरे लागत हमारी बढ़ती जा रही भाव तो हम बढ़ाते नहीं क्रेडिट कार्ड का वो तो हम ले लो कर्जा हमें देने लग रहे तो अभी हमारी कहो उस कर्जे की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे क्योंकि जब हमें भाव नहीं मिलागा तो कर्जे की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे तो हमें तो भाई ये धरती में तारना चाह रहे वे तीन कानून तो वापस हो गए पर उन तीन कानून के आड़ में ही इन्होंने नु लिया जमीन खोस लो किसानों से ये जितने हाईवे लिखड़ लग रहे शहरों में सारे को जैसा हमारे यहीं लिखने लग रहा है आज शाम लेकर चारों तरफ को तो जितनी हमारी धरती है चारफ़ को किसानों की वह सब लाल ने खरीद ली किसी भी किसान वो धरती नहीं रही तो यहाँ तो सब पूंजीपतियों को कहने लग रही है धरती और पूंजीपति से खरीदने लग रहे तो हमारे नहीं कुछ रह रहा अभी छः मीटर की एक लंबी नहर भी कह रहे हैं कि निकालेंगे इस साइड से जो गुजरात तक जाएगी सीधा बिजनेस होगा उसमें तो काफ़ी खेत जो है आप लोगों के चले जाएंगे किसानों के ऐसा हमारे यहाँ बहुत ताकतवर बहुत बढ़िया धरती है पूजा बहुत अच्छी है यहाँ से प्लेन धरती है तो ये नुचा रहे है कि मुझे मुजफ्फरना और श्यामली जो धरती है यहाँ आंदोलन जाता हूँ और हमें गंडे का भाव मांगे हमें और फसलों के मांगे हैं गेहूँ का चीनी का सब चीज़ का हमें यहाँ वो चाहिए तो ये सोचा है जी भी इन पर धरती नहीं रहने कहीं की लड़ाई लड़ेंगे जी कुछ रहने का ही नहीं तो यहां बता दो तो, वहाँ से पानी ले काट के ले आने लग रहा नेपाल से और वहाँ गुजरात में ले जाएगा सब कुछ गुजरात दिख रहा निंगा कुछ नहीं दिख रहा ये हमारे यहां गांव में की सब सड़के पाट के घेर दी कंपनी कौन आ रही है गुजरात की कंपनी है कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना पड़ी हो और सब गांव में इतनी बढ़िया सड़कें बनी हुई थी ये गुजरात की कंपनी आ रही बढ़िया पैसा बन रहा बढ़िया कमीशन हो रहा सब सड़कें पटकी और यहां वो झोटो-मोटो सी करें और भाग जा तो भाई ये तो सब काम है कंपनियों का मामला चल रहा और भाजपा जो है कंपनियों की सरकार है अच्छा कैराना लोकसभा सीट से आप किसको अपना उम्मीदवार देख रहे हो इस बार गठबंधन से या याद से भाई हम हमदान है गठबंधन है कोई आ जाओ हम गुस्सा देना चाहिए या देना चाहिए जो भी आओगा, उसी आहली है ऐसी कोई बात नहीं है क्या लग रहा चुनाव आ रहे माहौल गर्मा आ रहा इस साइड ये तो सबसे हॉट सीट नजर आ रही है यहाँ योगी का चक्कर भी लग गया बागपत में एक भाई ये चुनाव तो हर पाँच साल में आते जाते रहे मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना रहा मैं जो तो सिर्फ़ इस बात का वो करना सिर्फ भारत देश ही ऐसा होगा जो बड़े बड़े गुंडे मंत्री बड़े बड़े पद पर बैठे और हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा कर रही तो हमारे देश का भविष्य हमें बिल्कुल खतरे में लग रहा है आप शिश्ता है और हमें कुछ नहीं था अच्छा जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई किसानों के तो में हम काम कर रहे हैं बिजली फ्री दे रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना था क्या किसानों का उससे गुजारा हो पा रहा है नहीं हमें किसानों को तो मुफ्त की कोई भी चीज़ नहीं चाहती हमारी तो मेहनत का पैसा दे जो ये टेम पर है हमें कहीं को कुछ नहीं है हमारा पड़ोस है हरियाणा प्रदेश है हमारे पड़ोस में पैंतीस रुपये पावर है पैंतीस रुपये पावर ले जो हमें बिजली फ्री भी नहीं चाहती हमारा सही दाम दो पैसा सही पड़ा फसल का और अपना जो इनका चाह ले जो भाई इन्होंने तो डकेती मचा रखी मारा प्रधानमंत्री अठारह घंटे नहीं चौबीस घंटे काम करे पर पैसा इकट्ठा करने का टैक्स कौन सा कसा लगाना वो काम करे अठारह घंटे पब्लिक की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तो काला धन लाने वाले थे पंद्रह लाख अकाउंट में काला धन नहीं हुई लाल पेड़ा धन बनाया बनाया का जान लग रहे इन्होंने तो देश लूट के कह लिया तुम न बताओ तो महारा जो जिला है सामने मिल का इतिहास तो सब बताओ क्या सरकार इन्हें पैसा नहीं दे सकती किसानों को मील वाले पता अपने आप उगाई कर लेते जी एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपये एक एक व्यापारी का ये माफ़ करने लग रहे तो किसानों को यहाँ से पाँच सौ सात सौ करोड़ रुपए नहीं दे सकते भाई इन्हें किसान धरती मंगाड़ना और कोई काम नहीं है राम मंदिर बनना है अब राम रान जहा आ जा जाएगा तो देश का विकास हो जाएगा हाँ इनकी नजरों में तो हो जाएगा जो अनजान लोग हैं जिन्हें बेचारों को अपनी सोच नहीं है दूसरे के भरोसे चले हैं उन्हें तो पकाने में ही कामयाब हो रहे हो रही न के चा राम किसी को देता सबसे सब बड़ा हो कर्म कर्म करना चाहिए हर किसी को ये अस्पताल क्यों नहीं खुलवाते ये बड़े बड़े स्कूल क्यों नहीं खुलवाते वे जो राम मंदिर हैं, जो उनसे जितने मंदिर हैं ये धर्म के इनता लूट मचावे सरकार क्रिकेट हैं आईपीएल खेल रहा एक आदमी कल भिकारी था आज करोड़पति बन गया ऐसा कोई काम ये किसानों के लिए भी तो ले दो भाई जिस तरह किसान भी एकदम शौका हो जा तो भाई इनकी एक बात और कहना चाहूँ मैं ना ये करने वाला है ऊपर वाला अगर ये न सोचते हों बच जाओगे बचना कोई नहीं आज तक जो किसान के ऊपर अत्याचार किस उन्होंने करा था ना अंग्रेजों ने उससे आगे बढ़ रही है किसान को सबसे पहला काम है मजदूर का हमें मजदूर मिलना चाहिए और सरकार का काम रहा किसान को मजदूर ना उपलब्ध हो जीवे फ्री खा रहे तो जब बैठ के अगर हम सामली दे देते तनख्वाह तेरी तू यहाँ भैंसवाड़ के लेना था तो जिसे फ्री का खा खुआ रहे हैं वे हमारा काम नहीं करने के हम तो वहीं चले जाएंगे हमारे बच्चे हैं उन्हें तो या किताब पुता मोह नहीं रहने का न नौकरियों की आस रही खेती वे नहीं करते खेती तो सबसे घाटे का सौदा हो गया आज ऐनी मारे कह रहे थे उत्तम खेती मध्यम वाण आज खेती तो सब आदमी भागता जा रहा अगर ये जट चुके इतने बड़े हितसी हैं जातिवाद तो खैर मुझे कहना भी नहीं चाहिए यह बात चौधरी साहब किसानों के सबसे बड़े नेता हैं चौधरी चरण सिंह उन्हें भी कोई सम्मान दिया इन्होंने आज लोग कोई सब रतन दे देते और जो उनसे गुंडे डाकू हैं उन्हें देने लग रहे हैं ये भारत रत्न फुलाने और खिलाड़ी हैं खिलाड़ी कर रहा देश की सुरक्षा आज देश की सुरक्षा करे जवान खिलाड़ी नहीं करता ये सबसे ज़्यादा आज अपने सट्टे सट्टे चला रखे ऑनलाइन सट्टे चल रहे खेल पे तो भाई महाराज तो यही कहना हमने तो संतोष लिया। कर लिया ऊपर वाला कदी ना कदी इनका भी इलाज करेगा हम अभी कराना लोकसभा सीट के गांव भैंसवाल में थे गांव भैंसवाल में हमने गांव के लोगों से बात की गांव वालों का कहना है कि भाई जो अब फिलहाल जो सरकार में लोग हैं उन्होंने किसानों के हित में कोई खास काम नहीं किए हैं जुड़े रहे इसी से यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी धन्यवाद